अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी रमल खान। जी तो आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं तारिक रोड जा रही हूँ, तारिक रोड का डॉल्फिन मॉल आज आपको विज़िट करवाऊंगी। मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम गई थी डॉल्फिन मॉल जो तारिक रोड पे है। मैंने जितना हो सकता था वो मैंने वीडियो बनाई है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह इसी में ऐड है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ओके जी, पहुंच गई हूँ मैं तारिक रोड पे और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। डबल रोड है, डबल रोड के दोनों तरफ बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। यहीं पे सेविंग वर्ल्ड, डॉलर शॉप भी आप लोगों को मिल जाएगी। दोनों की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, ऊपर मैं बारी बारी लिंक दे दूँगी, वो भी आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा दोनों का। आज भी मैं सेविंग वर्ल्ड गई थी लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं डॉल्फिन मॉल जा रही हूँ, तो पहुँच गई मैं डॉल्फिन मॉल और अब चलते हैं अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि डॉल्फिन मॉल की बेसमेंट में भी पार्किंग है और बाहर भी। ओके जी, तो एंटर हो चुके हैं हम डॉल्फिन मॉल में और ये है जी डॉल्फिन मॉल तारिक रोड। और काफ़ी सारे इसके फ्लोर्स हैं, आई थिंक 4 फ्लोर्स हैं ऊपर और एक बेसमेंट है, और बेसमेंट वन इस तरह से है इसका। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये ग्राउंड फ्लोर के हैं। एक बात आप लोगों को बता दूँ कि इस मॉल में आप लोगों को लोकल ब्रांड्स भी मिल जाएंगे और अच्छे जो ब्रांड्स हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, सेल की बात करें तो सीज़न का एंड है, तो एंड ऑफ सीज़न की सेल ऑलमोस्ट हर ब्रांड पे यहाँ पे लगी हुई थी। यहाँ पे चाहे फैंसी हैं, चाहे सेमी फॉर्मल हैं, चाहे फॉर्मल हैं, आपको यहाँ पे ब्राइड्स के भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, पार्टी वियर मिल जाएगा आपको, और डिफरेंट स्टॉल्स पे भी ज्वेलरी जो हर मॉल में होती है वो भी है। तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको हर चीज़ ही मिल जाएगी। ग्राउंड फ्लोर में इस तरह से शॉप्स हैं, पीछे पीछे तक भी सारी हैं, लोकल ब्रांड्स की भी हैं। तो सामने मुझे खाड़ी नज़र आ गया जो कि नीचे था बेसमेंट में, तो नीचे गई हूँ मैं और अब जाएंगे खाड़ी पे। खाड़ी पे भी सेल लग चुकी है इनके इंटायर स्टॉक पे। जी तो सामने का जो एरिया है ये इनका मज़ीद और बेसमेंट वन है मेरे ख्याल से, वो है, वहाँ पे मैं जा नहीं सकी हूँ, एक्चुअली मैं भूल गई थी। सो, यहाँ बेसमेंट से मैं जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, फिर इसके बाद चलेंगे। ग्राउंड फ्लोर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अब हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। जी तो आ चुके हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे आपको किड्स की वैरायटी भी मिलेगी, वेस्टर्न ड्रेसेस की वैरायटी यहाँ पे पूरे ही मॉल में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको वेस्टर्न ड्रेसेस चाहिए, अच्छे वेस्टर्न ड्रेसेस, तो आपको हर तरह के यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, इसके साथ ही फैंसी ड्रेसेस हैं।
चलें जी, तो अब आपको विज़िट करवाती हूँ यहाँ के सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं वो भी चल के आपको बताती हूँ। तो सेकंड फ्लोर पे आप लोगों को सना सफीनाज, जे डॉट, साया ब्रांड, इसके अलावा आउटफिटर्स, सफायर, ये सारे ब्रांड्स सेकंड फ्लोर पे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं। जी, तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम सेकंड फ्लोर पे हैं, तो यहाँ पे जनरेशन, मारिया बी, आउटफिटर्स, निशात लीलन और इसके अलावा अलमीरा भी इसी फ्लोर पे है। और कौन सा है जी, स्प्लैश इसी फ्लोर पे है। सो सब मॉल्स की तरह यहाँ पे भी जगह जगह ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे हुए थे, तो काफ़ी खूबसूरत थी। और सामने जो नेकलेस नज़र आ रहे हैं, ये जी 700, 750, 650 इस तरह की इनकी रेंज थी। ओके जी, तो दोबारा से आप लोगों को बता दूं कि पूरे ही मॉल में हर ब्रांड पे सेल लगी हुई थी 50%। ज़्यादातर तो फ्लैट 50 थी, क्योंकि एंड ऑफ सीज़न की ज़्यादातर फ्लैट 50% होता है। चलें जी, अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे और उसको एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ओके जी, तो थर्ड फ्लोर पे सामने ही शीप ब्रांड है। इसके साथ ही थर्ड फ्लोर पे आपको मिलेगा मेकअप सिटी, बॉडी शॉप, बीच ट्री एंड मच मोर। तो चलें, अब चलते हैं फोर्थ फ्लोर पे, जो कि फूड कोर्ट है। और फूड कोर्ट के अलावा और क्या चीज़ है वो भी चल के ऊपर देखते हैं। जी, तो फोर्थ फ्लोर पे फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट के साथ सिंदबाद है, जो कि बच्चों का प्ले एरिया है। जी, तो फूड कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। ब्रांड्स सारे ही यहाँ पे, KFC, मैकडोनल्ड्स, इसके अलावा और कौन कौन से हैं, चाचा जी का प्लेटर बहुत अच्छा मज़ेदार होता है, तो कभी मैं ट्राई करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी हैं यहाँ पे, तुर्किश आइसक्रीम का यहाँ पे ये जो सीन क्रिएट हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ओके जी, तो यहाँ का भी फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा बना हुआ है। सो फोर्थ फ्लोर से मॉल कुछ इस तरह से दिख रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत।
ओके जी, तो सारा का सारा मैंने आपको विज़िट करवा दिया है, तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप चलते हैं नीचे, और नीचे के एग्ज़िट के रास्ते दो तीन रास्ते हैं, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। जी, तो यहाँ पे एक ये सामने का जो रास्ता है, ये सारा एग्ज़िट का रास्ता है, ठीक है। कैम्ब्रिज के बिल्कुल सीधे ही चले जाएं, और यहाँ से हम नहीं जा रहे, हम दूसरी साइड से जाएंगे। तो दूसरी साइड का भी एग्ज़िट एरिया आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा है। तो दूसरा रास्ता ये है जहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी, ठीक है जी, क्योंकि गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्क हुई थी, तो हम लोगों ने यहाँ से एग्ज़िट भी ली। ओके जी, तो बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है डॉल्मेन मॉल, ठीक है। कोशिश मैंने पूरी की कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, जितना हो सकता था वो मैंने सारा आपसे शेयर किया है। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता दूं कि मॉल में आप लोगों को जब जो अनस्टिच आप लोगों ने लेने हैं तो आपको ब्रांडेड ही मिलेंगे, बाकी वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, फैंसी हैं। अगर आपने इसके अलावा लेने लाइक शिफोन के अनस्टिच लेने हैं तो इसके साथ ही बिल्कुल डॉल्मेन मॉल के बिल्कुल साथ ही राबी सेंटर है। राबी सेंटर में आपको तमाम वैरायटी मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं अपने किसी व्लॉग में आप लोगों को बाकी तारिक रोड भी विज़िट करवाऊंगी। तारिक रोड आए, यहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बात मुझे समझते समझते काफ़ी टाइम लग गया है, लेकिन समझ गई हूँ मैं कि शॉपिंग करनी है तारिक रोड जाओ, आराम सुकून से सब कुछ मिल जाएगा। तो आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी एफर्ट्स पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दिया करें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।